हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनके पीछे कमर में एक गांठ जैसी निकली होती है, रसोली बोल तो उसको कोई सेक बोल लेते हैं, कोई कभी सिर के पीछे की तरफ निकली हुई होती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है आपको। ये एक बच्चा है, इस बच्चे के पीछे एक आपको वो दिखाई दे रही है गांठ। तो आपके दिमाग में हमेशा ये आया होगा, ये गांठ किस चीज की है, क्यों हुई है, इसका इलाज क्या है, ये क्यों नहीं होनी चाहिए थी। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम, और टॉपिक का नाम है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दिस इज नोन एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए यंग चाइल्ड अबाउट 10 मंथ ऑफ ओल्ड एज हैविंग डोर्सल माइलोसील। व्हाट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब होता क्या है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट है। दिस इज द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया। हमारे देश में सबसे कॉमन जो बर्थ डिफेक्ट होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एंड इसका ओवरऑल प्रिवलेंस 4.5 पर 1000 वर्ष। 2015 की स्टडी के अनुसार, डाटा के अनुसार, भारत में 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 4.5 में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिलता है। इससे पता चलता है कि कितना कॉमन है। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? इस क्लास में पूरा होने के बाद हमें क्या सीखने को मिला और हमने क्या सीखा, दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूडे क्लास। नंबर वन, एट द एंड ऑफ सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डेफिनेशन, डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किस किस तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है, उनके बारे में आपको डेफिनेशन जाननी है। नंबर दो, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ क्यों है, कैसे होता है। नंबर तीन, इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसके कारण क्या हैं, एंड साथ में इसके साइन सिम्टम बच्चे में किस तरह से दिखाई देते हैं। एंड लास्ट, लिस्ट द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, इसका मैनेजमेंट पार्ट क्या है, साथ में ये देखना है कि इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हो सकते हैं। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर टूडे क्लास। इटियोलॉजी, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इटियोलॉजी मोस्ट कॉमन कोज इज इडियोपैथिक। अभी तक इसके कोज, डेफिनेटिव कोज अननोन है, इसका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इडियोपैथिक। नंबर टू, जेनेटिक्स, अगर किसी के सिबलिंग यानी कि पहले ऐसा हुआ है तो दूसरे बच्चे में भी ऐसा होने की संभावना रहती है, ये जेनेटिक कारण हुए। नंबर तीन, एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि माँ अगर प्रेग्नेंट है और उसको रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए, कब उसके एक्सरे ले लिए जाएं, सीटी स्कैन ले लिए जाएं, तो रेडिएशन एक्सपोजर भी एक कारण हो सकता है। अगेन, मोस्ट कॉमन कॉज इज पुअर इनटेक ऑफ फोलिक एसिड। जैसा कि मेडिकल साइंस के हिसाब से जो फोलिक एसिड है, जिसको हम फोलेट भी बोलते हैं, फोलिक एसिड न्यूरोमोडुलेशन में बड़ा सहायक एक विटामिन होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो न्यूरोमोडुलेशन और डेवलपमेंट पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाता, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। देन, इनटेक ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, अगर माँ को दौरे की बीमारी है, जैसे कि मिर्गी के दौरे आते हैं और उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रही हो, तो मोस्ट कॉमन क्या क्या हो सकती है, सोडियम वालप्रोएट एंड कार्बामेजापिन। दो ड्रग ऐसी हैं जिनको आप कोशिश करें कि वो दोनों ड्रग या तो उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए या उनको टेपर ऑफ कर दिया जाए। एंड ओबीज एंड मोर एज मेटरनल एज, 35 साल के ऊपर की महिलाएं अगर कंसीव करती है तो कंजनाइटल डिफेक्ट्स की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, ऐसा देखने में आया है। देन पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये होता कैसे है, ये हम आज जानेंगे होता कैसे है। न्यूरल प्लेट जो होती है, इट अपीयर ऑन 17th डे ऑफ गेस्टेशन,
गेस्टेशन मीन्स आफ्टर कंसेप्शन, जब महिला प्रेगनेंसी उसको कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके 17वें दिन 17th डे ऑफ गेस्टेशन एक एक्टोडर्म में थिकनिंग हो जाती है। जैसे कि सपोज करें दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज मीजोडर्म। तीन तरह की लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो 17th डे पे जो एक्टोडर्म होती है उसमें थिकनिंग शुरू हो जाती है और वो एक न्यूरल प्लेट बनाती है 17th डे पे। एंड 18th डे ऑफ न्यूरल प्लेट, 18th डे पे होगा क्या, इस डायग्राम को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। दिस इज एंडोडर्म, दिस इज मीजोडर्म, यहां पे नोटोकोड बनेगा और उसमें क्या होगा, एक सॉरी उसमें क्या होगा, ये मीजोडर्म है, ये नोटोकोड, नोटोकोड इज द इनिशिएटिव फैक्टर और कैटालिटिक फैक्टर फॉर द एक्टोडर्म फोल्डिंग। तो होता क्या है, इसके अंदर एक फोल्ड बनेगा, दिस इज फोल्ड, एक्टोडर्म में फोल्ड बनेगा और ये फोल्ड जो बनता है ये न्यूरल क्रेस्ट होगा और ये न्यूरल प्लेट होगी। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए, ये जो है ये न्यूरल क्रेस्ट बनेगा और ये जो है ये न्यूरल प्लेट बनेगी, सॉरी ये न्यूरल प्लेट बनेगी। तो 18th डे पे ये फोल्ड बनना शुरू हो जाता है एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक, जब थर्ड वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो ये न्यूरल फोल्ड फ्यूज हो जाएगा। कैसे फ्यूज होगा, ये एक्टोडर्म है, ये नोटोकोड है, ये मीजोडर्म है, ये एंडोडर्म है आपकी, और वो जो न्यूरल ट्यूब है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे जो फोल्ड आया था वो फ्यूज होकर के न्यूरल ट्यूब बना लेती है और जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यहां पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल कोड एंड नोटोकोड क्या होगा, आगे भविष्य में जाके नोटोकोड न्यूक्लियस पल्पोसस बनाएगा, इंटर वर्टिब्रल बॉडी का जो डिस्क होती है उसका न्यूक्लियस पल्पोसस बनाएगा। मेजोडर्म क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा और एंडोडर्म क्या होगा, एंडोडर्म फोल्ड होकर के, पूरा फोल्ड होकर के एंडोडर्म जो है अपनी गट, बाकी की स्ट्रक्चर जो होती है गट वगैरह जीआईटी ये बनाएगी, ये स्किन बनाएगा, स्केलेटन टिश्यू बनाएगा मेजोडर्म। तो ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है नॉर्मल, जो कि एम्ब्रियोलॉजी में अपने को पढ़ना होता है, दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो थर्ड वीक में ये फ्यूज होकर के न्यूरल ट्यूब बना लेता है। फ्यूजन बिगिन फर्स्ट ऑन हाइंड ब्रेन, सबसे पहले कहां होगा, हाइंड ब्रेन और सर्वाइकल जंक्शन पे, जो आपका सिर के पीछे का हिस्सा है, सिर के और स्पाइन कोड के जो फ्यूजन है वहां पे सबसे पहले फ्यूज होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा, प्रोसीड क्रेनियली, उसके बाद ऊपर ब्रेन की तरफ, जैसे ये ब्रेन है, दिस इज स्पाइन, दिस इज क्रेनियम एंड दिस इज द स्पाइन। तो होगा क्या, सबसे पहले फ्यूजन यहां स्टार्ट होगा, देन एंटीरियरली एंड अप एंड इंफीरियरली, तो प्रोसीड टू क्रेनियली देन क्वाडली, ये नॉर्मल है। आफ्टर दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, जब दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर एंड उसके फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनाएगा वो, स्पाइनल कोड, जैसा कि अभी हमने देखा न्यूरल ट्यूब बनी, न्यूरल ट्यूब ने क्या बनाया, स्पाइनल कोड बनाया। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एपीएर डिपेंड्स ऑन इंटरप्शन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जहां भी इंटरप्शन होगा उसके डिपेंड्स ऑन दिस आगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एपियर होंगे। अगर क्रेनियली फ्यूज नहीं हुआ तो उसमें क्रेनियल आएंगे, अगर क्रेनियल एंड स्पाइनल दोनों फ्यूज नहीं हुए तो क्रेनियल एंड स्पाइनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे, और अगर नीचे केवल और केवल स्पाइनल फ्यूज नहीं होते हैं न्यूरल ट्यूब और तो उसका स्पाइनल न्यूरल ट्यूब होगा। तो डिपेंड्स ऑन द दिस इंटरप्शन इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, दिस इज अगेन फिजियोलॉजी, जैसा कि हमने पहले बात करी, ये दिस इज द एक्टोडर्म 17th डे, दिस इज एंडोडर्म, दिस इज नोटोकोड एंड दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट
18th डे पे वो फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। बाय द थर्ड वीक एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड दीज आर द बॉडी कैविटी एंडोडर्म। तो हम इस पे बात कर चुके हैं कि इसमें अगर इंटरप्शन हो जाता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसमें बच्चे में सामने देखने को अपने को आगे मिलेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने बताया डिपेंड्स ऑन इंटरप्शन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द न्यूरल ट्यूब। अगर उसके अंदर नंबर वन क्रेनियो स्पाइनल, नंबर टू क्रेनियल एंड नंबर थ्री स्पाइनल, तीन तरह से डिफेक्ट अपने को देखने को मिल सकते हैं। क्रेनियो स्पाइनल में क्या है, नंबर वन क्रेनियो रेस्टियासिस, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेन एंड स्पाइन कोड दोनों एक्सपोज्ड हैं, फ्यूज नहीं हुआ है, पीछे पोस्टीरियरली फ्यूज नहीं हुआ है न्यूरल ट्यूब। देन क्रेनियल, क्रेनियल में एनेंसेफेली हो सकती है, क्रेनियोस्टियोसिस हो सकता है, एक्जेंसेफेली हो सकती है, एनकेफेलोसील हो सकता है, हम इस पर आगे बात करेंगे। इसी तरह से स्पाइनल में क्या क्या हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो सकता है, सिस्टिका भी दो तरह से वो निकल, मेनिंगोमाइलोसील एंड मेनिंगोसील दो तरह से देखने को मिलता है। इस पर हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। नंबर वन क्रेनियो स्पाइनल, दिस इज द क्रेनियो स्पाइनल डायग्राम ऑफ क्रेनियो रिस्टियासिस, जिसपे हमने भी बात करी। स्कल डिफेक्ट, इसमें स्कल डिफेक्ट थ्रू विच न्यूरल टिश्यू प्रोट्रूड मोस्ट सीवियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसमें स्कल में डिफेक्ट होगा और ब्रेन एंड मेनिंजीज टोटली एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देन क्रेनियल एनेंसेफेली, लार्ज पार्ट ऑफ द स्कल इज एबसेंट, स्कल का जो लार्ज पार्ट है वो एबसेंट होगा एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो उससे प्रोट्रूड होकर के बाहर दिखाई देगा, इसको एनेंसेफेली बोलेंगे। तो लार्ज पार्ट ऑफ स्कल इज एब्सेंट अलोंग विद द सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट भी एब्सेंट हो सकता है और जो है वो एक्सपोज मिलेगा। नंबर दो क्रेनियोस्टेनोसिस, क्रेनियम फेल टू क्लोज, इसमें क्या होगा, क्रेनियम होगा लेकिन वो क्लोज नहीं होगा कंप्लीटली, तो ब्रेन क्या होगा, ब्रेन का जो पार्ट है वो उसमें से बाहर प्रोट्रूड होगा, इसको बोलेंगे क्रेनियोस्टियासिस। देन एक्जेनकेफेली, व्हाट इज एक्जेनकेफेली, ब्रेन टिश्यू एंड मेनिंजीज, ब्रेन टिश्यू एंड मेनिंजीज प्रोट्रूड आउट थ्रू द क्रेनियल केविटी नॉट कवर्ड बाय स्किन, लेकिन इसमें स्किन से कवर नहीं रहेगा। एंड लास्टली एनकेफेलोसील, एनकेफेलोसील में क्या होगा, एक सेक लाइक प्रोट्रूजन थ्रू द डिफेक्ट इन द स्कल, स्कल में एक डिफेक्ट होगा, सेक उसमें प्रोट्रूड होगा, उसके अंदर सीएसएफ होगा, मेनिंजीज होगी और ब्रेन का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड ड्यूरा। देन स्पाइनल, हम स्पाइनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं स्पाइन में। तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हमने बात करी, नंबर एक स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये बिनाइन नेचर का होता है, इसमें क्लोज्ड टाइप का होता है, इसमें स्केलेटल डिफेक्ट होता है लेकिन इसमें न्यूरल टिश्यू मेनिंजी जो प्रोट्रूड नहीं होती है एंड इसमें पोस्टियर वर्टिबल उसमें आर्च में डिफेक्ट होता है और विदाउट ए मेनिंजियल सेक, इसमें मेनिंजियल सीएसएफ वगैरह कुछ नहीं होती है, केवल और केवल आपको स्किन पे डिंपल दिख सकता है, टप टॉप हेयर दिख सकते हैं, ये बिनाइन नेचर को होता है, ये डजंट वारंट इमरजेंसी सर्जरी और रिपेयर। देन स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम में इंट्रोडक्शन देखा था, दिस टाइप ऑफ माल फॉर्मेशन नोन एज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, वाई सिस्टिका, देयर इज अ सिस्ट लाइक और सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट आउटसाइड द डिफेक्ट एंड सीन फ्रॉम पोस्टीरियरली मेनली लंबोसेक्रल रीजन, जो कमर का नीचे का हिस्सा है वहां पे अपने को सेक जैसी स्ट्रक्चर और एक गांठ जैसा देखने को मिलता है। ए बोनी डिफेक्ट वर्टिबल कोलम थ्रू दिस मेनिंजीज एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड प्रोट्रूड एंड आर क्लियरली विजिबल, ये दिखेंगे, जैसे कि हमने अभी बात करी, ये दो तरह से हो सकते हैं, एक हो सकता है मेनिंगोसील, एक हो सकता है मेनिंगोमाइलोसील। पहले मेनिंगोसील की बात करेंगे, मेनिंगोसील क्या है, इसमें सेक प्रोट्रूड होगा स्पाइनल कोलम से बाहर लेकिन उसके अंदर स्पाइनल फ्लूड होगा लेकिन न्यूरल टिश्यू नहीं होगा, इट कवर्ड बाय मेनिंजीज एंड स्किन। एंड मेनिंगोमाइलोसील, इसके अंदर
मेनिंगोसील प्लस न्यूरल टिश्यू, अगर हम न्यूरल टिश्यू उसके साथ में प्रोट्रूड हो रहा है तो वो क्या हो गया अब मेनिंगोस माइलोसील, माइलो मीन्स नर्वस टिश्यू उसके अंदर से, स्पाइनल कोड का पार्ट उसके अंदर से बाहर आ रहा है। तो अब हमने क्या क्या देख लिया है, क्रेनियम का देख लिया है और हमने इसका पार्ट देख लिया है कि ये क्या हो सकता है। अगर मैं इसको आपने जैसे सामान्य भाषा में समझाऊं, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें एक टायर होता है। तो अगर अपन बात करें कि टायर की बात करें तो जैसे एक सपोज करें ये कि रिम होती है, ये रिम है, उसके बाद रिम के ऊपर क्या होता है, एक ट्यूब होती है। मैं ट्यूबलेस टायर की बात नहीं कर रहा हूं, ट्यूब वाले टायर की बात कर रहा हूं, एक ट्यूब होती है, उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर फिर टायर होता है, एक टायर होता है उसके ऊपर टायर होता है। अब अगर अपन कंपेयर करें सिस्टिका ओकल्टा, अगर सपोज करें केवल और केवल इसमें डिफेक्ट है, जैसे केवल टायर में कोई कील लग गई है, किसी तरह से कोई कील पत्थर कुछ लग गया है और उसके अंदर चला गया है, डिफेक्ट है, लेकिन कोई प्रोट्रूजन नहीं आया है, तो इसका मतलब ये ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है। अब अगर अपन बात करें मेनिंगोसील की, वापस आते हैं डायग्राम पे, मेनिंगोसील में क्या होगा, केवल और केवल सीएसएफ को यहां हवा मान लेते हैं और मेनिंजीज बाहर आएगी, मेनिंजीज को मान लेते हैं कि यहां से एक जो ट्यूब है वो बाहर आ रही है, तो क्या होगा, एक डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होकर के वो डिफेक्ट किस तरह से दिखेगा आपने को, ऐसे आउट पाउचिंग हो जाएगी, ये आउट पाउचिंग हो जाएगी। ये आउट पाउचिंग हो जाएगी, ये इस तरह से आउट पाउचिंग हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे अपन मेनिंगोसील, ये इस तरह से दिखेगा आपने को, और जो ये है डिफेक्ट बाहर स्किन का डिफेक्ट ऐसे रहेगा, तो ये आउट पाउचिंग हो गई, इसमें हवा भरी हुई है सीएसएफ, तो ये हो गया मेनिंगोसील। अब अगर अपन बात करें कि मेनिंगो माइलोसील तो होगा क्या, उसके अंदर साथ में जैसे रिम भी साथ में आ रही है, इस माइल जो आ रहा है ये साथ में आ रहा है आपके रिम, तो इसमें माइलोइड टिश्यू नर्वस टिश्यू भी साथ में आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन मेनिंगो माइलोसील। क्लियर, तो आपके समझ में आ गया मेनिंगो माइलोसील में क्या होगा, माइलोसील में क्या होगा, ठीक है। देन एनकेफेलोसील, अब अपन बात करेंगे कि एनकेफेलोसील क्या है, तो सेक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ द ब्रेन, ये आप देखिए ये एक स्कल है, स्कल से यहाँ एक कुछ जुड़ा हुआ है और साथ में एक सेक आ रहा है सामने, दिस इज सेक, तो सेक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन दैट कवर इट थ्रू ओपनिंग ऑफ द स्कल, लेकिन ये स्किन से कवर है, तो दिस इज नोन एज एनकेफेलोसील। देन नॉर्मल स्पाइन क्या होगा, आप नॉर्मल स्पाइन की बात करें अपन, तो दीज आर द वर्टिब्रल बॉडी, दीज आर वर्टिब्रल बॉडीज एंड दीज ऑल आर वर्टिब्रल बॉडीज, ये बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, ठीक है, ये स्पाइन प्रोसेस है, ये स्पाइन प्रोसेस है, दीज आर स्पाइन प्रोसेस, ये मेनिंजीज हैं, ये कोड है इसके ऊपर, यहां पे मेनिंजीज हैं, सीएसएफ फील्ड एंड दिस इज कोड, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज स्पाइन लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, लेमिना एंड दिस इज द स्पाइनल केनाल कंटेनिंग मेनिंजीज, स्पाइनल कोड एंड सीएसएफ, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इसमें क्या होगा, देयर इज ए गैप और एब्सेंस इन फ्यूजन ऑफ द लेमिना, देयर इज ए गैप, यहां पे आपको गैप दिखेगा
ये फ्यूज नहीं रहेगा, लेकिन इसमें से कोई न्यूरल टिश्यू, मेनिंजीज, सीएसएफ प्रोट्रूड नहीं होगा। दैट मीन्स देर ये स्पाइना बाइफिडिया ओकल्टा, बिनाइन क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विद पोस्टियर वर्टिब्रल डिफेक्ट ओनली विदाउट ए मेनिंजियल सेक, एसिम्टोमेटिक होता है मोस्टली एंड है टप टू डिम्पल में भी प्रेजेंट ओवर स्किन। दिस इज नोन एज ओकल्टा। ओकल्टा मीन्स छुपा हुआ है तो सही, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब छुपा हुआ। देन मेनिंगोसील फर्स्ट वी नो अबाउट दीज आर द वर्टिब्रल बॉडीज, दीज आर द स्पाइन प्रोसेस, बट हियर द स्पाइन प्रोसेस आर एबसेंट एंड देर इज ए शेक लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद द स्किन एंड मेनिंजीज एंड इट इज फिल्ड विद सी एस एफ ओनली इज देयर, बट देर इज ए नो न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट। न्यूरल टिश्यू इज नॉट कमिंग थ्रू दिस डिफेक्ट आउटसाइड एंड हियर दिस इज एप्रिशिएबल, दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज द स्पाइन विच इज नॉट फ्यूज पोस्टीरियरली, दिस इज द सेक, दिस इज स्किन एंड दिस इज न्यूरल टिश्यू, बट देर इज ए ओनली सी एस एफ, सो दिस इज मेनिंगोसील। अगेन मेनिंगोमाइलोसील, इन दिस केस स्पाइन कोड ऑल्सो प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट, हियर ऑल्सो देर इज ए स्पाइनल कोड एंड दिस इज द सेक स्किन एंड दिस इज द सेक विद सी एस एफ विद मेनिंजीज, दिस इज मेनिंगोमाइलोसील। एंड अगेन अ टेस्ट, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, यू पुट अ टॉर्च फ्रॉम वन साइड टू सेक एंड सी फ्रॉम अपोजिट साइड, तो ट्रांस इल्यूमिनेशन अगर आपको दिखता है ट्रांसलूसेंट होगी तो वो होगी आपकी मेनिंगोसील बिकॉज ऑफ क्लियर फ्लूड। एंड इफ इन मेनिंगोमाइलोसील न्यूरल टिश्यू देन दिस इज नॉन ट्रांसलूसेंट ऑन ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, दिस इज द क्लिनिकली डिफ्रेंशिएटिंग फीचर बिटवीन टू। देन साइन एंड सिम्टम, अब बात करेंगे हम क्लिनिकल फीचर की, क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। नंबर वन, ब्लाडर एंड बाउल प्रॉब्लम्स, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो लंबोसेक्रल प्लेक्सस जो बनता है, जो कंट्रोल करता है ब्लाडर बाउल मूवमेंट को, वो नर्वस टिश्यू क्वाडा इक्वाइना और क्वाडा इक्वाइना के बाद जो L2 से नीचे होता है वो उसमें से प्रोट्रूजन आउट हो जाता है मोस्ट कॉमनली एट द लंबोसेक्रल रीजन, तो उसमें इनकॉन्टिनेंस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। देन सेक्सुअल डिस्फंक्शन बिकॉज ऑफ द न्यूरल टिश्यू। देन वीकनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन बिलो द डिफेक्ट, डिपेंड ऑन द डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट बहुत नीचे है आपका लंबोसेक्रल जंक्शन पे है तो मे बी ए नो वीकनेस, और अगर ऊपर डिफेक्ट है तो वीकनेस ज्यादा होगी। जितना ऊपर डिफेक्ट होगा डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिफेक्ट, वीकनेस उतनी ज्यादा आपको अप्रिशिएट होगी। देन हाइड्रोसेफलस मे बी प्रेजेंट, जैसे कि हमने पहले वाली क्लास में बात करी थी कि अगर किसी को अर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन है तो अर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन सेकंड इज एसोसिएटेड विद द लंबर मेनिंगोमाइलोसील एंड अर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन थर्ड एसोसिएटेड विद ऑक्सीपिटल एनकेफेलोसील एसोसिएटेड विद हाइड्रोसेफलस। तो हाइड्रोसेफलस के रेज आईसीपी के साइन भी आएंगे। क्या क्या होते हैं रेज आईसीपी के साइन, दोबारा बता रहा हूं मैं, हेडेक, वॉमिटिंग, ये मोस्ट कॉमन होंगे, और बच्चा है तो उसके अंदर मेक इवन साइन, क्रेक पुट साइन, सनसेट साइन, या हाइड्रोसेफलस के साइन भी, और सूचरल डायस्थेसिस, ये सब साइन उस बच्चे में आपको देखने को मिलेंगे जो कि हाइड्रोसेफलस अगर एसोसिएटेड है। देन इन एबिलिटी टू मूव द लोअर लिम, पैरालिसिस हो सकता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकता है, साथ में ऑर्थोपेडिक मालफॉर्मेशन भी एसोसिएटेड उसमें मिल सकते हैं। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या क्या उसमें हमारे पास साधन उपलब्ध हैं और हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, तो हमने इसको दो उसमें डिवाइड किया है, एक प्रीनेटल एंड एक पोस्टनेटल। एक तो बच्चे के पैदा होने के पहले ही माँ के पेट में जब बच्चा है तभी हम इसको डायग्नोस कर लें। नंबर एक क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में अपने को पता चल जाता है हाइड्रोसेफलस है नहीं है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिख रही है अलग से एनोमली स्कैन में है या नहीं है। नंबर दो, मेटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन, ये इसका
जो क्राइटेरिया है वो इसलिए है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट में, हमारे बॉडी में, ब्लड के अंदर एल्बुमिन होता है, वैसे ही बच्चे के अंदर अल्फा फिटो प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन क्या होता है कि बच्चे के अंदर ज्यादा होता है। अब अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो वो बच्चा जो है वो जो अल्फा फिटो प्रोटीन है, अल्फा फिटो प्रोटीन, वो एमनियोटिक फ्लूड में उसके ज्यादा आ जाएगा। एमनियोटिक फ्लूड में आएगा तो माँ के ब्लड में वो मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमें अल्फा फिटो प्रोटीन उसमें देखने को मिलेगा ज्यादा। सेम चीज एमनियोटिक अल्फा फिटो प्रोटीन बढ़ेगा। अगर हम एमनियोसेंटेसिस करें और उस फ्लूड को हम जांच के लिए भिजवाएं तो उसमें अल्फा फिटो प्रोटीन की मात्रा कई गुना ज्यादा मिलेगी। देन एमनियोटिक एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो होता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो ये एंजाइम सीधा एमनियोटिक फ्लूड में आ जाएगा और उसका लेवल कई गुना ज्यादा हमें मिल सकता है। देन हम पोस्ट नेटल की बात करेंगे, ये तो होगी प्री नेटल की बात। पोस्ट नेटल क्या क्या हो सकता है? सबसे कॉमन शेक ऑब्जर्व होगा एट द बेक, हेयर टब, डिम्पल, रपच्चर शेक, कवर्ड शेक, ये इस तरह के शेक, हमें स्वेलिंग हमें मिल जाती है। देन हम उसके लिए रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करा सकते हैं, सीटी स्कैन एंड एमआरआई फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस कि इसके अंदर मेनिंगोसील है या मेनिंगो माइलोसील है या नहीं है। देन मैनेजमेंट पार्ट, हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कैसे मैनेज करें। फर्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 17th डे पे न्यूरल फोल्ड बनता है, 18th डे पे फ्यूज होता है और 3 वीक, एंड ऑफ द 3 वीक वो कंप्लीट फ्यूज हो जाता है। तो जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके पहले ही माँ के पता चलने के पहले ये डिफेक्ट बच्चे में आ जाता है। तो क्यों आता है ये हमें जानना है और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मेडिकल केयर, फर्स्ट हम मेडिकल केयर पे ध्यान देंगे। तो पेशेंट शुड बी प्रोन पोजिशन, प्रोन में रखेंगे, उल्टा रखेंगे, सीधा रखेंगे तो शेक पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा, शेक रप्चर हो जाएगा, सीएसएफ बाहर निकलेगा, बच्चे में इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा, मेनिनजाइटिस होगा, बच्चा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में चला जाएगा और जान भी जा सकती है। तो हम उसको पहले तो उसको उल्टा सुलाने के लिए उसके माँ को या उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे को उल्टा सुलाएंगे ताकि वो रपच्चर ना हो। दूसरा क्या होगा, हाइपोथर्मिया से उसको बचाएंगे। बच्चे जो होते हैं वो हाइपोथर्मिया के लिए प्रोन होते हैं, तो हम ब्लोवर वगैरह या कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह जो आते हैं वो बच्चे को देंगे, उसको हाइपोथर्मिया से बचाएंगे। फिर उसकी ड्रेसिंग करेंगे स्टेराइल सलाइन से, वेट गोज ले लेंगे सलाइन के, उससे एसेप्टिक प्रिकॉशन लेके उसकी ड्रेसिंग करेंगे ताकि उसमें इन्फेक्शन के रेट कम से कम रहे। देन प्रोफाइलेक्टिक आईवी एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि अगर शेक है और अगर वो रप्चर होने के उसमें है तो उसमें प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के पहले ही हम एंटीबायोटिक चालू कर देंगे ताकि मेनिनजाइटिस के कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो पाए। देन सर्जिकल, दिस इज द डेफिनेटिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सर्जिकल रिपेयर, दिस इज द डेफिनेटिव पार्ट। हम बात करेंगे सर्जिकल, तो रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट इज द मेन स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट, टिपिकली परफॉर्म विद इन 1 to 3 days ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या करेंगे, हम जो न्यूरल टिश्यू है उस न्यूरल टिश्यू को डीटीथरिंग करेंगे। अगर मेनिंगोमाइलोसील है, डीटीथर्ड करने के बाद अगर साथ में लाइपोमा है, फेट है, तो उनको हम एक्साइज करेंगे। अगर साथ में कोई उसके अटैचमेंट आ रहा है बाहर तक तो उसको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा ड्यूरल टिश्यू है उसको एक्साइज करेंगे, सीएसएफ जो है उसको ड्रेन करेंगे और उस ड्यूरल टिश्यू को प्राइमरी रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम स्किन को रिपेयर करेंगे, तो रिपेयर लेयर बाय लेयर उसको रिपेयर करेंगे कॉस्मेटिकली। और साथ में अगर उसको हाइड्रोसेफेलस है तो साइमल्टेनियसली सेम सिटिंग में हम उसको वीपी शंट कर देंगे। शंट करने से क्या होगा, उसका प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जो आपने रिपेयर किया है वहां से लीक होने के चांसेस नहीं रहेंगे और वो हील होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने शंट नहीं किया है तो आईसीपी रेज होगा, आपने जो रिपेयर किया है वो लीक होगा और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। अगर क्लोज स्पाइना बाइफिडा है तो उसमें आप प्लान सर्जरी कर सकते हैं अगर टीथर्ड कोड की संभावना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। उस पर नर्सिंग मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो सकता है, नर्सिंग में शेक इवैल्यूएट करना है कि शेक बहुत ज्यादा टेंस है, नहीं है, इम्पेंडिंग रप्चर है या रप्चर होने वाला नहीं है। अगर वो बहुत थिन है तो ड्रेसिंग करनी है सलाइन से जैसा बताया। उसकी हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करना है, हाइड्रोसेफलस उसको है या नहीं है ये देखना है। चाइल्ड को प्रोन पोजिशन में रखना नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, वो उसको समझाएं पेरेंट्स को, उसको एक्सप्लेन करें कैसे रखना है।
आईवी एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, नर्सिंग स्टाफ करेगा, उसको पूरा इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करें कि आपको टाइम टाइम पे उसको आईवी एंटीबायोटिक देनी है। फैमिली को बताएं कि भाई सर्जरी करने की इसकी रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी इसके लिए जो इसके प्रोग्नोसिस हो सकते हैं उसके बारे में उसको बताएं, साथ में पूरी एसेप्टिक प्रिकॉशन से बच्चे को हैंडल करें। दीज आर द नर्सिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। देन प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हमें ये पता ही ना चले और माँ जब कंसीव हो जाए उसके पहले ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए तो उसके लिए आगे हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्लास। प्रिवेंशन फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नंबर वन डेली सप्लीमेंट ऑफ 400 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड इन ऑल चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप ऑफ फीमेल। हम सब में ब्लैंकेटली सब में एक 400 माइक्रोग्राम की टेबलेट फीमेल जो भी कंसीव करने की एज में है उनको दे सकते हैं। नंबर दो डेली सप्लीमेंट ऑफ 1 मिलीग्राम, जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाए तो 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड माँ को हम चालू कर दें कि आपको रोज 1 मिलीग्राम की फोलिक एसिड का इंटेक आपको लेना है। तीसरा जेनेटिक काउंसलिंग कराएं, अगर उसके बाद भी हो रहा है तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसके पहले जेनेटिक काउंसलिंग कराएं और एंटीनेटल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से कराएं। अगर बच्चे को डिफेक्ट ज़्यादा है तो फिर उसको आप एबॉर्शन के लिए सलाह दे सकते हैं। अगर पहले उमन में पहले भी कोई हिस्ट्री हुई है कि बच्चे को पहले एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ हुआ था, उन मदर्स को आपको 4 मिलीग्राम फोलिक एसिड देना है। 4 मिलीग्राम ऑफ फोलिक एसिड टेबलेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, जब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को उसके 1 महीने पहले से चालू करें और ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर होल फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको फोलिक एसिड 4 मिलीग्राम एटलीस्ट उसको कंटिन्यू देना है। दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर। दिस इज द स्लाइड। प्रीवियसली जब हमने देखा था एक एनकेफेलोसिल बच्चे की जो हमने एक आपको पिक्चर दिखाई थी, उसी बच्चे का एक पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर है, आप इसमें देखें कि उसको हमने यहाँ रिपेयर किया है और यहाँ पे उसको शंट डाला है, वीपी शंट, एंड दिस इज द पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर सर्जरी एनकेफेलोसिल पिक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि भविष्य में भी हम आपको इस तरह के वीडियो दिखाते रहें।